हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका मिस्टर इनोवेशन एक्स में। और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ ब्लैक स्नेक, जो बचपन में हम लोग जलाते थे, छोटा छोटा गोली। वो वही जलाता था, वही ख़त्म हो जाता था, मतलब तब मन नहीं भरता था, जब जलाया तभी ख़त्म हो जाता है। इतना सा छोटा छोटा बड़ा बड़ा जो ब्लैक की तरह स्नेक बनता था, वही है ब्लैक स्नेक। तो हम आज बड़े लेवल में, क्योंकि आप बड़ा हो गया इसलिए बड़े लेवल में आज ट्राई करेगा कैसे वो ब्लैक स्नेक बनेगा। तो ब्लैक स्नेक बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, जो जो उपकरण है वही हम दिखाएंगे। हमारे पास सबसे पहला घर के यूज़ होने वाला है चीनी, और चीनी को पीसना पड़ेगा। और यह है बेकिंग सोडा, जो कि कई खाने में लगता है, बेकिंग सोडा डालना पड़ता है, वही बेकिंग सोडा। तो चीनी को हम पीस लेगा मिक्सर के मदद से, और ये बेकिंग सोडा। और इसके साथ फ्लेमेबल कोई सी भी ऑयल चाहिए। हमारे पास ये है क्रियोसिन, आप ये यहाँ पे पेट्रोल या फिर अल्कोहल, फ्लेमेबल ऐसा कोई ऑयल ले सकते हैं, ताकि हम जैसे बना रहे ब्लैक स्नेक तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे ब्लैक स्नेक बनता है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो लेट्स गो। ये ऐसे कागज की तरह ही है, इसके हम पेस्टिंग बोलते हैं। इसमें थोड़ा और क्रियोसिन डाल देते हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत हवा आ रहा है, इसलिए आग इधर उधर हिल। गाइस आप लोग देख पा रहे हो, ये थोड़ा थोड़ा ऊपर उठने लगा है। जैसे बचपन में हम लोग जलाया था इतना छोटा छोटा गोली, और इतना इतना बनता था ब्लैक स्नेक। हम वही ब्लैक स्नेक आज बड़े लेवल में करने की कोशिश कर रहा है, और आप लोगों को दिखाने के लिए। इस वजह से एक तो लाइक तो बनता है। वाओ, ये ब्लैक स्नेक बनना स्टार्ट हो गया है। आप लोग देखो दोस्तों, आप लोग इसे ट्राई कर सकते हैं घर में, लेकिन ध्यान से थोड़ा प्रोटेक्शन लेके ट्राई करना, ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बनना ये कोशिश ना करेगा तो बेहतर है आप लोगों के लिए। यहाँ थोड़ा इधर उधर हवा चल रहा है, इसलिए आग थोड़ा इधर उधर हिल रहा है।
गाइस धीरे धीरे ये बड़ा होने लगा है। लेकिन ये थोड़ा टाइम ले रहा है। गाइस आप लोगों को अगर पता हो तो ये कैसे रिएक्शन होता है, क्या बनता है रिएक्शन से, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। गाइस हमने हमारा ये स्नेक बना लिया, तो स्नेक इधर उधर हवा चल रहा है, जब ये बन के बड़ा हो जा रहा है तब ये नीचे गिर रहा है, इसलिए इससे बेहतर हम यहाँ पे बना नहीं पाया क्योंकि छत के ऊपर है, हवा चल रहा है बहुत ज़ोर से, आप लोग देख तो पा रहे हैं ये हवा चल रहा है, आग इधर उधर हिल रहा है, इसलिए हम इससे और ज़्यादा बड़ा नहीं बना पाया। तो चलिए यहाँ तक रख के हम और नहीं इसको बड़ा नहीं करेगा। गाइस मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ये है हमारा ब्लैक स्नेक जो ऐसे ही बन गया, आप लोग देखो अभी भी ये जल रहा है हमारा ये ब्लैक स्नेक। तो ये कैसा चीज़ है, कैसे बना है, तो चलिए देखते हैं। ये है चीनी और जो बेकिंग सोडा बन के खाक बन गया, देखो इधर इधर उधर हवा चल रहा है इसलिए ज़्यादा उड़ रहा है। इसमें आग जल रहा है फिर भी हम हाथ लगा रहे, थोड़ा गर्म है। तो गाइस जो भी हो मेरा ब्लैक स्नेक आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे वीडियो नेक्स्ट टाइम आप लोगों को मिले, और इसी तरह का एक्सपेरिमेंट आप लोग घर पे ट्राई मत करना, जिसको नॉलेज है वही ट्राई करना वरना मत करना, क्योंकि इसमें थोड़ा डेंजरस है या फिर दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आप लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट ना करें, वो एक्सपेरिमेंट हम लोगों के ऊपर छोड़ दें, हम एक्सपेरिमेंट करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहना, आबाद रहना, बाय बाय, टेक केयर एंड टिल देन।